तो मैं बात करता हूँ, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट फेल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करते हैं। उनको पता ही नहीं होता उन्हें कौन सा टॉपिक आता है कौन सा टॉपिक नहीं आता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि कॉम्पिटिशन कहाँ चल रहा है। बहुत से बच्चे मैंने यकीन बैच के अंदर देखा है सिर्फ लेक्चर देखते हैं और सोचते हैं बहुत अच्छा चल रहा है और अपनी पूरी सक्सेस इस बात से ट्रैक करते हैं कि बैच कहां पहुंच गया। भाई बैच अपनी दिशा में जा रहा है, तुम उसके साथ नहीं पहुंच रहे हो। तुमको लगता है बैच के अंदर 10 चैप्टर चल रहे हैं, मेरे 10 चैप्टर हो गए क्योंकि मैंने उसके लेक्चर देख लिए। क्या हुआ, थोड़े बहुत लेक्चर ही तो छूटे थे बीच में। अरे पागल, एक इंसान उस बैच के अंदर ऐसा भी है जिसके सारे लेक्चर भी कंप्लीट है, सारे टेस्ट भी दे रहा है, डीपीपी भी सॉल्व कर रहा है, चार बार रिवाइज भी कर लिया, तेरा कॉम्पिटिशन उससे। और तू सोचता है तेरे 10 में से 8 चैप्टर तैयार है, ठीक तो चल रहा है। तैयार के नाम तुम्हारा, तैयार का मतलब क्या होता है, तुमने उसके लेक्चर देख रखे हैं और नोट्स बना रखे हैं, रिविजन तो दूर की बात है, तुमने पढ़ा भी नहीं है। और फिर खुद को झूठा दिलासा देते हो कि पहला चैप्टर मैंने पढ़ा तो था, है ना, पहला चैप्टर का पढ़ा था, 4 महीने पहले पहला चैप्टर पढ़ा था, तैयार तो होगा ही मेरा। और खुद को दिलासा देते रहते हो, झूठी तसल्ली देते रहते हो, नहीं नहीं वो तो पढ़ा था तैयार होगा। और फिर कब खोलते हो उसको जाके, तुम खोलते हो मार्च में, फिर अरे यार इसमें तो 10 दिन लगेंगे रिवीजन में, अभी गया वो चैप्टर भी तुम्हारा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी ट्रू मिरर रिपोर्ट, रोज शीशा देखने का। कमेंट में लगातार लिख रहे थे कि वो क्या एक चीज है जो मिसिंग थी, वो थी डिसिप्लिन। आपने बहुत सारे कॉर्नर में लिखा कि डिसिप्लिन मिसिंग था, तो डिसिप्लिन कैसे आएगा कि जवान डिसिप्लिन ले आओ, ऐसे नहीं आएगा। आपके सामने आपका शीशा होना चाहिए जो आपको रोज आपकी सच्चाई बताए। तो इसको मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स ट्रू मिरर रिपोर्ट।